हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे खजूर और केले का मिल्क शेक। तो सबसे पहले जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो केला ले ली हूँ और चार मैं खजूर ले लूंगी। तो मैं इसे वॉश कर लूंगी और इसकी जो बीज है वो अलग कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं चार खजूर ले लेती हूँ और इसकी चलो बीज अलग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है केले को इस तरह कट कर ली हूँ और खजूर की जो बीज को निकाल दी हूँ। और आपको सॉफ्ट वाला खजूर लेना, जितना आप सॉफ्ट लेंगे उतना अच्छा खजूर बने मिल्क शेक बनेगा। और यहाँ पे मैंने मावा ले ली हूँ, कच्चा मावा। तो यहाँ पे मैंने लगभग एक टेबल स्पून मावा ले ली हूँ और यहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून मैंने शक्कर ले ली हूँ। आप चाहे तो इसे ज्यादा भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं अभी इसे जार में डालना स्टार्ट करती हूँ और हमें आधा लीटर दूध चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है खजूर डाल दी, अब मैं इसमें केला डाल दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे खजूर डाली और अभी केला डाली। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी, जो हमने दो टेबल स्पून शक्कर लिए। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। दूध हम आधा लीटर डालेंगे, पर पहले हम पाव लीटर डालेंगे और फिर थोड़ा ग्राइंड करेंगे, फिर पाव लीटर डालेंगे। और खोया भी हम जब दूसरी बार डालेंगे दूध उधर भी डालेंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं अब इसमें हमने इतना ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम खोया डालेंगे और जो हमारा पाव लीटर दूध बचे वो डालेंगे। यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा बनता है ये। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मावा का फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आता है और आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए इसमें आप मावा या चोको चिप्स सब कुछ भी इसमें गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। काफी टेस्टी होता है और बहुत ईजी और सिंपल।